नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 78 दिन का बोनस देगी सरकार, कैबिनेट में मिली मंजूरी। पर्व त्योहार से पहले रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस देने की घोषणा हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि रेलवे नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए हैं। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। बिहार उपचुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी, विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, मात्र 5 लोगों के साथ ही कैंपेन करेंगे नेता। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। बिहार में उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 602 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। चुनाव को लेकर 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। को बता दें कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू का कब्जा रहा है। कुशेश्वर विधानसभा सीट जदयू विधायक शशिभूषण हाजरी के निधन के बाद खाली हुई थी। इसके बाद तारापुर विधानसभा सीट पूर्व मंत्री और जेडीयू के एमएलए मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आम आदमी पर महंगाई की मार, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 15 रुपये हुआ महंगा। दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व त्योहार से पहले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 kg वाले सिलेंडर के दाम कंपनियों ने 15 रुपये बढ़ाई है। पर्व त्योहार से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 kg वाले सिलेंडर के दाम 15 रुपये बढ़ा दिया है। को बता दे कि 1 सितंबर को 14.2 kg के गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 18 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा किया था। पटना में डेंगू के बाद अब जापानी इंसेफेलाइटिस की दस्तक, 2 मरीजों के मिलने से हड़कंप। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले थम गए हैं, लेकिन पटना में डेंगू और चिकनगुनिया के केस लगातार सामने आ रहे हैं। इन दोनों बीमारियों से पटनावासी अभी जूझ रहे हैं, लेकिन अब जो नई आफत आई है वह ज्यादा चिंताजनक है। पटना जिले में अब जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि जेई की मरीजों की पुष्टि हुई है। जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित एक बच्चे की मौत भी हो गई है। जो बच्चा जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित था वह पंडारक का रहने वाला बताया जा रहा है। इससे पहले उसका इलाज पटना में हुआ था और ठीक होकर घर भी वापस से जा चुका था। उधर बख्तियारपुर के करोटा से एक बच्चे को पीएमसीएच में लाया गया। इसके बाद उसे परिजनों ने कंकड़बाग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बच्चे का इलाज वहीं चल रहा है। पटना सिविल सर्जन ऑफिस के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों की सूची उपलब्ध है उसके मुताबिक अब तक डेंगू के 57, चिकनगुनिया के 3 और जापानी इंसेफेलाइटिस के 2 मरीज मिले हैं। पटना के दानापुर, मोकामा जैसे इलाकों में नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों की बात करें तो कंकड़बाग जैसे इलाके में नए मरीज मिल रहे हैं। नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट सफेद हाथी बन गया, सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर से आमदनी 98 खर्चा रुपया। पटना के गांधी मैदान के पास 3 साल पहले सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ था। 2017 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इस पर कुल लागत 485 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी, लेकिन इसका अर्थ यही
ड्रीम प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है। दरअसल सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर से सरकार को आमदनी उतनी नहीं हो रही है जितना मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला मुहावरा इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सही साबित हो रहा है। सूचना का अधिकार के तहत भवन निर्माण विभाग में सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक इसके मेंटेनेंस पर हर दिन 3 लाख से ज्यादा की रकम खर्च होती है। पिछले 4 सालों में सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर के मेंटेनेंस पर 47.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, यानी कि हर साल तकरीबन 12 करोड़ और महीने के हिसाब से अगर आंकड़ा निकाले तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए हर महीने इस सेंटर के मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि सम्राट अशोक कॉन्वेंशन सेंटर से अब तक सरकार को 4 साल में केवल 16 करोड़ रुपए की कमाई हुई है जबकि खर्च 47 करोड़ से ज्यादा हुआ है। ऐसे में यह सेंटर सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। पुरानी गाड़ियों को रखना बना आफत, सरकार ने 8 गुना बढ़ाया रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो इसे रखना आपके लिए आफत साबित हो सकता है। पुराने गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा किया है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल या इससे पुरानी है तो इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आपको 8 गुना ज्यादा रकम देनी पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक बाइक अगर पुरानी है तो इसके लिए 300 की जगह आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा। मंत्रालय की नई नीति के मुताबिक 15 साल से पुरानी बस या ट्रक के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराने पर अब 15 साल की जगह 12,500 रुपये शुल्क के तौर पर देना होगा। इसी तरह मध्यम श्रेणी के मोटर वाहन के लिए यह रकम 10,000 की होगी। किसी इम्पोर्टेड कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 40,000 और इम्पोर्टेड बाइक के लिए 10,000 का चार्ज लगेगा। काम की खबर, पटना एयरपोर्ट का नया शेड्यूल जारी। पुणे के लिए सारी फ्लाइट कैंसिल, जानिए कौन सी फ्लाइट कब आएगी और कब जाएगी। पटना एयरपोर्ट के विमानों का नया शेड्यूल जारी हो गया है। नए शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से हर दिन 110 विमान उड़ेंगे और उतरेंगे। नए शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक शहरों के एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराई गई है। सबसे ज्यादा 18 फ्लाइट नई दिल्ली और पटना के लिए उपलब्ध है। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई के लिए विमानों की सेवा उपलब्ध है। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों का नया शेड्यूल 30 अक्टूबर तक ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद ठंडी के मौसम में कोहरे की स्थिति को देखते हुए फ्लाइट के समय में बदलाव किया जाएगा। नई शेड्यूल के मुताबिक कुछ 6 जोड़ी विमान बढ़े हैं। दिल्ली के लिए सर्वाधिक 18, बेंगलुरु के लिए 8, मुंबई के लिए 7, कोलकाता के लिए 5, अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर के लिए 3-3, पुणे, चेन्नई और गुवाहाटी के लिए 2-2, रांची और लखनऊ के लिए 1-1 फ्लाइटें उपलब्ध है। नहीं बढ़ रहा नियोजित शिक्षकों का पैसा, 3 महीने का वेतन और 2 साल से एरियर बाकी, उपचुनाव में मजा चखाने की चेतावनी। बिहार के सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष काफी लंबे समय से वेतन वृद्धि के इंतजार में हैं। आज के शिक्षक लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। नीतीश सरकार ने पिछले साल 2020 में ही शिक्षकों का वेतन 1 अप्रैल से 15% बढ़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। बता दे कि 15% वेतन बढ़ाने के ऐलान के बाद नीतीश मंत्रिमंडल ने पिछले ही साल अपनी मंजूरी दे दी थी और कहा था कि 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से नियोजित शिक्षकों को 15% की वेतन वृद्धि दी जाएगी। उनके लिए सेवा शर्त भी निर्धारित की गई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को इस वेतन वृद्धि को लेकर संकल्प भी जारी किया था। 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी अब तक न तो वेतन बढ़ा और न ही दिशा निर्देश जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 से बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस वृद्धि के मुताबिक खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा भी मांग लिया था और उसके मुताबिक उसने मांग का प्रस्ताव मार्च 2021 से ही वित्त विभाग को भेज दिया था लेकिन वित्त विभाग की हरी झंडी अब तक नहीं मिल पाने से शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है।
बिहार के पटना में दशहरा में इस बार नहीं होगा इंडिया नाइट्स का आयोजन, रावण दहन पर भी रोक। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर से दशहरा भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि डीएम ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ज्यादातर अधिकारियों का सुझाव था कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए दशहरा पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि मेले में भी भीड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ सकता है। दशहरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अश्लील गाने बजाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजाने को कहा गया है। पंडालों में लाउडस्पीकर तो बजेंगे, लेकिन अधिक डेसिबल वाले नहीं होंगे। इसके लिए पूजा समितियों को अनुमति लेनी होगी। दशहरा पर रावण वध एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। अधिकारियों का सुझाव था कि इस बार रावण वध कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि इसमें भी अधिक भीड़ होती है। कालिदास रंगालय में रावण वध कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होगा, जिसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी। इसके अलावा जिले में कहीं भी रावण वध कार्यक्रम नहीं होगा। प्रशासन ने आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है। बिहार में बम धमाके की बड़ी साजिश, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट, पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी। बिहार में त्योहारों के समय में पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। सूबे के कई जिलों के एसपी और रेल पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी दी गई है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के आतंकी बिहार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमले की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से स्पेशल ब्रांच के DIG ने भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखकर सतर्क किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पाक की इस साजिश को विफल करने के लिए पुलिस अन्य एजेंसी से भी संपर्क और समन्वय स्थापित कर काम करे। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों के समय में भारत के प्लास्टिक लॉन्च बॉक्स के आकार में IED से विस्फोट कराने की साजिश रच रहा है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।